हेलो फ्रेंड्स, एंजॉय विद सुरभि चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो मैं आज इन चिड़ियों की आपको कहानी बताती हूँ। बहुत ही विचित्र कहानी है इनकी। ये देखिए, डाल पर बैठे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चिड़िया के 3 बच्चे थे। करीब 15-20 दिन तक चिड़िया ने इन्हें दाना यहीं पे खिलाती रही इन्हें, और आज ये उड़ने के लायक हो गए हैं। तो इन्हें उड़ना सिखा रही है ये चिड़िया। ये देखिए, ये इस डाल से उस डाल पर बैठ बैठ के इन बच्चों को उड़ना सिखा रही है। बच्चे भी जा के डाल पे बैठ रहे हैं, दूसरी डालों पे। ये देखिए, आज ही उड़ना सीख रहे हैं। ये आज ही घोंसले से बाहर निकली हैं बिल्कुल। और 3 बच्चे हैं ये, तीनों ही इस तरह से ये इस डाल से उस डाल पर बैठ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरा पेड़ है। ये हमारे पेड़ के पास में ही एक पेड़ है बकान का, उस पर ये बच्चे जाके तीनों बैठ गए हैं यहाँ पे। और इधर से एक बच्चा कौआ का भी आ गया है। ये देखिए, ये चिड़िया यहाँ पे इस बकान के पेड़ पर उड़ना सिखा रही है। जैसे ही ये कौआ आया, कौआ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, और ये चिड़िया अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये डर रही है कि मेरे बच्चे को खाना जाए। ये देखिए, ये कौआ अपने बच्चों को लेके परेशान है। ये देखिए, इधर इसका बच्चा बैठा है नीचे, और ऊपर डाल पे इस चिड़ियों के बच्चा है। इसी लड़ाई में दोनों की, चिड़िया का बच्चा ये कौआ के हाथ आ गया था।
ये देखिए ये चिड़िया के बच्चे को उठा लाया है ये कौआ, और यहाँ पे ये चिड़िया के बच्चे को मार रहा है, तो चिड़िया इसे भगा रही है, बार बार मार रही है इसे। ये देखिए ये चिड़िया हमला कर रही है कौआ पे बार बार, लेकिन कौआ है कि चिड़िया के बच्चे को लेके उड़ चुका है दूसरे वाला कौआ। ये एक इधर बैठा है और दूसरे वाले ने बच्चे को ले लिया है चोंच में। ये चिड़िया बहुत परेशान है। इस कहानी से हमें इस चिड़ियों की यही सीख मिलती है कि हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। आज पेड़ की कमी की वजह से आज ये आपस में इतने झगड़ा कर रहे हैं। ये देखिए और एक बच्चा चिड़िया का मर भी चुका है, कौआ ने एक बच्चा मार दिया, दो बच्चे बचे हैं। और यहाँ से हमने ये कौआ को पानी डाल डाल के निकाल दिया है। इसमें गलती ना तो चिड़ियों की है और ना ही कौआ की है, गलती हम लोगों की है। हमने सब पेड़ काट दिए हैं और पेड़ बहुत कम है हमारे घर के आसपास, ये दो तीन पेड़ खड़े हैं बस, इन्हीं पे इन चिड़िया भी यहीं पे रहती हैं, कौआ भी यहीं पे रहते हैं। चिड़िया के दो बच्चे बच चुके हैं, एक बच्चा मर चुका है और कौआ का बच्चा भी हमने यहाँ से हटा दिया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बर्थडे पर सब केक काटते हैं, केक की बजाय हम अगर एक पेड़ लगाएँ तो इन पक्षियों के लिए जीने का तरीका आसान हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत परेशान है, ये मैंने तो सोच लिया है हर बर्थडे पे अपने बच्चों से एक पेड़ ज़रूर लगवाऊंगी मैं। ये देखिए ये कौ इधर कौआ भी बहुत परेशान है, इधर चिड़िया भी बहुत परेशान है। पेड़ ना होने की वजह से पक्षियों पे भी बहुत परेशानी आ रही है और हम लोगों पे भी बहुत परेशानी आएगी आगे। ये देखिए ये हमने पेड़ लगा रखे हैं अपने गेट के आगे ही, ये छोटी सी क्यारी बना के उसी में पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए ये हमारे गुलाब के पेड़ भी हैं और कई तरह के यहाँ पे पेड़ हैं हमारे। ये देखिए इन पक्षी रहते हैं, ये केवल हमने ये पक्षियों के लिए ही ज़्यादा लगाए हैं। और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पेड़ ही हमारी ज़िंदगी है। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची वीडियो है, इसीलिए इन पक्षियों की खातिर आप ज़रूर पेड़ लगाएं और अपने बर्थडे पर तो खासकर हमेशा ही एक पेड़ ज़रूर लगाया करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलना। बाय बाय।